हेलो गाइस, हाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको शो करूँगी मेरी पर्पल की शॉपिंग। एक या दो पार्ट ही अपलोड किया क्योंकि बात का पार्ट मैं शूट ही नहीं कर पाई थी, तो मैं सोचा मैं कलेक्टिवली एक वीडियो बना देती हूँ। तो इसमें एटलीस्ट मैंने 50 प्रोडक्ट्स तो परचेज किए ही हुए हैं। सो विदाउट द फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा पहला ऑर्डर है जो कि मैंने लास्ट डे पिक किया था, तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने बी ब्रांड का सीक्रेट सैलून हेयर कलर लिया था। ये मैं एक और यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा था, तो इस वजह से मैंने दूसरा परचेज़ कर लिया है। यूज़ अगर आपको लाइक फुल रिव्यू चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बाय वन गेट वन ऑफर चला था लास्ट डे बाय गुड वाइब्स पर, तो ये लिया था। शैम्पू तो नहीं चाहिए था यार, बट ले लिए क्योंकि बाय वन गेट वन पे था। एंड वो फेस मास्क मुझे पपाया का चाहिए था क्योंकि मैं उसका रिव्यू चेक कर रही थी, तो उस पर लिखा था कि हाँ बहुत अच्छा है, लाइक अच्छी रिव्यू, उससे कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं था। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई, क्योंकि मुझे फेस मास्क वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। स्किन केयर में जो मुझे पसंद है कुछ, तो सबसे ज़्यादा फेस मास्क ही पसंद है। सो यस, 250 में मुझे वो दोनों मिल गया था। नेक्स्ट डॉट एंड की पे भी चल रही थी, इसी वजह से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था बाई वन गेट वन। तो मैंने एक सनस्क्रीन ऑर्डर करी थी एंड एक मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र तो मैं यूज़ कर रही हूँ तो इस बॉक्स में है नहीं, बट हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा, लाइक एकदम ऑरेंज टैंगी सी उसकी स्मेल है एंड टेक्सचर वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो ये मुझे 499 में दोनों मिल गया था, तो बेस्ट डील बन गई थी क्योंकि मैंने डायटन की पे बाय वन गेट वन जल्दी आता नहीं है। तो ये वाला पार्सल खाली हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें भी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, लाइक कफ्स एंड लेसेस के इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा थे। इसमें एक दो प्रोडक्ट और था जो इस समय इस पार्सल में नहीं, क्योंकि वो मैं यूज़ कर रही हूँ और वो पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है, मुझे याद ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले ये एवरटीन का सैनिटरी नैपकिन थी, बहुत ही अच्छी है, 180 में मिल गई थी, कूपन लगाने के बाद और सस्ते में मिल गई थी मुझे। नेक्स्ट मैंने कैप्शन लेसेस का ये तीन प्रोडक्ट लिया था, ये कॉम्पैक्ट दो लिया था और एक वो ब्रश लिया था, 04 एंड 06 सेट। कॉम्पैक्ट यार अच्छा है, बट जो मेबलिन फिट मी आता है दैट इज़ द बेस्ट, उसका कॉम्पिटिशन का तो ये है ही नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगा, इसका टेक्सचर मुझे उतना स्मूथ नहीं लगा, उतना बटरी नहीं लगा। बट हाँ, आपको ऑफर में 150 तक का मिलता है तो ले लीजिएगा, इसकी फुल प्राइस कभी मत पे करिएगा। ऑफर चल रहा था इसीलिए मैंने ले लिया, मैंने दो मंगवा लिए, एक मैंने किसी को दे दिया इस वजह से इस वीडियो में नहीं है, और ये खुद के लिए लिया था तो इस वजह से इस वीडियो में ये मैं आपको शो कर दे रही हूँ। और इसके साथ मुझे दो चीज़ फ्री मिला था, आपको पता होगा, आई शेडो और ब्लश का कॉम्बो मिल रहा था। तो यस, और हाँ ये ब्रश भी लिया था, तो अराउंड 499 या 600 का बिल बना था लाइक मिलाकर, तो इसलिए वो फ्री मिला था। तो ये ब्रश तो बहुत अच्छा है, अगर कफ्स एंड लेसेस से कुछ ट्राई करना चाहते हो ना तो डू ट्राई दिए ब्रशेज, दे आर लाइक एब्सोल्यूट गुड क्वालिटी ब्रशेज। तो यस, ये दो लाइक जो फ्री गिफ्ट की बात करी थी वो ये पैलेट मिला था जो कि मुझे टूटा हुआ रिसीव मिला था, बट उन्होंने मुझे 200 रुपीज़ का ऑफ कूपन दे दिया था जो कि नो मिनिमम ऑर्डर पर अप्लाई हो रहा है। तो अभी तक वो कूपन रखा हुआ क्योंकि यूज़ तो किया नहीं है, यूज़ करूँगी कभी तो बताऊँगी। तो यस, इसीलिए कहती हूँ कि जब कुछ ब्रोकन वगैरह आया करे तो आप क्लेम कर लिया करो अपना रिफंड वगैरह, हम दे देते हैं वो लोग, फ्री प्रोडक्ट हो या पैसे देकर मंगाए हो। और ये नेक्स्ट ये ब्लक्स था, इसका शेड इतना गंदा है, जो इस पर डबल टॉक लिखा हुआ है, एक्चुअली इसकी पैकेजिंग बदल गई है क्योंकि एक और ब्लश इसका, इसका जो शेड था दिस इज़ लाइक शुगर प्लम शेड था, और एकदम कॉम्पैक्ट का शेड था, कहीं से भी किसी भी एंगल से ये ब्लश नहीं लग रहा था। एंड ठीक है, छोटा सा कॉम्पैक्ट बना के यूज़ कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जो लास्ट प्रोडक्ट था इसमें वो था ये उपटन का पाउडर, ये भी मुझे 42 रुपीज़ का मिला था, अच्छा नहीं है क्योंकि आपके चेहरे पे ये येलो कलर का टेंट छोड़ देता है जो कि बहुत ही गंदा लगता है बाद में। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्सल, आई थिंक सो ये थर्ड ही है, हाँ तो ये थर्ड ऑर्डर था। तो इसमें भी कुछ प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट इसलिए कम है क्योंकि इसमें मैंने 349 की एलाइट प्रो मेंबरशिप ली थी, वो मेंबरशिप बहुत अच्छी है, अगर लेना चाहते हो तो वही वाली लेना। नेक्स्ट ये था शैम्पू, एल गुडनेस पर बाय वन गेट वन चला था, तो ये मैंने शैम्पू, ये एक्चुअली मुझे चाहिए नहीं था, बस मैंने पता नहीं क्यों प्लेस कर दिया क्योंकि मुझे एलाइट मेंबरशिप चाहिए थी, और मैं एलाइट मेंबरशिप में देख रही थी कि कब गिफ्ट्स अच्छे हैं तो मैं ऑर्डर प्लेस करूं। और बाद में रिव्यू चेक ने एक वीडियो बना के डाला था कि आप कैसे फ्री में ले सकते हो, मैं सोच रही थी कि हाँ वैसे ले सकते हो, बट मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेना, अभी आईडी वाईडी को कुछ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने करा ही नहीं था, इसलिए मैंने पैसे दे के ले लिए। तो ये दो फ्री गिफ्ट मुझे मिला था, एक ही एल फिटनेस का जो मैंने मास्क दिखाया वो, और ये एक माई ग्लैम की लिपस्टिक मिली थी इन द सेट स्विंगर, मैं बहुत दिन से ट्राई करना चाह रही थी, तो मैं सोचा क्या 99 रुपीज़ पे करके माई ग्लैम से मंगाना, फ्री मिल रही है तो ले लो, क्योंकि ट्राई करना है। मैंने इसका लाइक न्यूट्रल रिव्यू सुना है, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बहुत ड्राइंग है, तो हाँ ड्राइंग तो है यार, ये तो है, बट फ्री में मिला तो
यस अच्छा है। एंड मास्क कभी मैंने ट्राई नहीं किया है, मास्क ट्राई करूँगी तो बताऊँगी। 50 ग्राम क्वांटिटी है फ्री दोनों। एलाइट प्रो मेंबरशिप में ये था कि आपको 499 के अबव की शॉपिंग आप करोगे तो आपको हमेशा गिफ्ट मिलेगा। तो एक गिफ्ट वो था और एक गिफ्ट वो था कि मैंने मेंबरशिप परचेज़ करी थी, तो इस वजह से मुझे दो गिफ्ट मिले थे, अगर आपको कन्फ्यूज़न हुई हो तो। नेक्स्ट था ये मास्क बायोटिक का, मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी बट कभी बायोटिक पे बाय वन गेट वन ये 50% ऑफ आया ही नहीं, तो 40% ऑफ था तो मैंने ले लिया। इतना बढ़िया है यार मास्क है ना, इतना हेयर को इतना सॉफ्ट बना देता है और आपको नहाने के बाद इतनी प्यारी स्मेल आती है ना आपके बालों से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेयर मास्क है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये आर्गन वाला। अभी मैंने इसका एक और लिया, वो मैंने नहीं ट्राई किया बट दिस वन आई हैव ट्राइड, तभी आपको लग रहा होगा इतनी गंदी इसकी हालत हो गई है कि बाथरूम से उठा कर लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा था ये, मुझे आई थिंक 150 का मिल गया था बट लास्ट डे इस पर बाय वन गेट वन आ गया था, मैंने तब भी ऑर्डर प्लेस किया था उसी टाइम आ जाता तो मुझे 10-20 रुपये कम में मिल जाता। नेक्स्ट ये थी फिटमी की कॉम्पैक्ट कह रही हूँ फाउंडेशन 115 शेड। मुझे सबसे लाइट शेड ट्राई करना था क्योंकि इनकी शेड रेंज पहले से चेंज हो गई है, पहले इसमें और भी शेड आते थे बट अब वो शेड्स नहीं आते हैं, तो इस वजह से मुझे ट्राई करना था। नेक्स्ट ये था ब्लू हेवन का लिप टिंट, ये बहुत अच्छा है। इसका जो शेड है ब्रिक ब्यूटी वो बहुत ही नेचुरल सा लगता है। ये मेरा दूसरा परचेज, एक मेरे पास और है, तो ये था मेरा तीसरा ऑर्डर। पूरा पार्सल डिब्बा पूरा खाली हो गया अभी, लाइक मैं थक गई थी शूट करते करते, ऑर्डर ख़त्म ही नहीं होते। तो ये था मेरा फोर्थ ऑर्डर जिसमें सबसे पहले थी ये स्विस ब्यूटी की क्ले मास्क वाला ब्रश, ये मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी तो उस टाइम मुझे मिल गया क्योंकि पर्पल पे इसकी 2 क्वांटिटी लिखी थी, इस वक्त मैंने मंगाया 2 ही क्योंकि इस पे लाइक कुछ ऑफ एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा था, आप 3 प्रोडक्ट लेते तो मैं 2 ले रही थी तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड के लिए। नेक्स्ट ये कफ्स एंड लेसेस का बिगिनर ब्रश सेट था, तो मुझे ये चाहिए था ब्रश सेट, बहुत ही अच्छा है खासकर ये फाउंडेशन का F14 ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिगनर्स के लिए ये ब्रश सच में अच्छा है। 674 का रिटेल कर रहा था, कूपन वगैरह लगा के आई थिंक मुझे 400 का मिल गया बट मुझे तो बहुत अच्छी डील लगी क्योंकि मुझे इसके साथ 2 फ्री गिफ्ट भी मिले हुए हैं। हाँ वही आई शेडो और वो ब्लश। इसका आई शेडो लाइक मुझे सही रिसीव हुआ था, टूटा फूटा बिल्कुल नहीं। पिगमेंटेशन वाइज ठीक है, लाइक कुछ कुछ शेड पिगमेंटेड हैं कुछ कुछ शेड पिगमेंटेड नहीं है, तो लाइक पैसे देके तो कभी मत मंगाना ये आई शेडो क्योंकि वर्थ नहीं है। 399 रुपीज़ में आपको मार्च के एक से एक आई शेडो मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट ये ब्लश था, ब्लश ठीक है यार, इसका जो शेड था इसका शेड डबल टॉप था तो यस ब्लश ठीक ठाक था, बनना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब। तो यस ये सारे प्रोडक्ट इसमें थे। नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी का 2 प्लेस किया था हाइलाइटर, वो हाइलाइटर मुझे रिसीव ही नहीं हुआ तो मगर वो फ्री गिफ्ट मुझे मिल गया था। ये है मेरा फिफ्थ ऑर्डर, इसको मैं हाथ में लेके दिखा रही हूँ, इसमें 2-3 प्रोडक्ट मैं नीचे रखी हुई हूँ मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें स्विस ब्यूटी के ये लिप बाम थे, 2 शेड थे, मैंने शॉर्ट्स पे इसका लाइक शेड वाला सब दिखाया, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये था ऑलिव ऑयल, ये भी देख लीजिए आधा यूज़ हो गया, मैं बहुत टाइम पहले मंगाया था, अब मैं वीडियो डाल रही हूँ। NYBA पे चल रही थी बाय वन गेट डील, तो ये 2 प्रोडक्ट थे। NYBA की नोज स्ट्रिप जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, इससे अच्छा आप हिप हॉप का ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट ये NYBA की नेल पेंट शेड अच्छा था, टॉर्टिला न्यूट था आई थिंक, यस। एल्प गुडनेस पे बाय वन गेट वन था, तो ये लिया था रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये मेरी सेकेंड परचेज है तो आप जान सकते हो कि मुझे अच्छा लगा तभी मैंने दोबारा मंगाया, अदरवाइज अच्छा नहीं तो मैं दोबारा कभी नहीं ऑर्डर करती। इसके साथ मैंने मैनीक्योर एंड पेडिक्योर किट ली थी, वो भी नीचे रखा हुआ यार भूल गई लाना, इतने सामान थे ना कि याद ही नहीं था कि क्या है इसमें क्या नहीं है। नेक्स्ट ये है सिक्स ऑर्डर, इसमें भी बाय वन गेट वन NYBA पे था, तो 2 वाइप ले लें क्योंकि 1 90 की मिल रही थी और 2 आई थिंक 95 या 100 की थी, तो मैंने सोचा 2 ही ले लो भाई जब बाय वन गेट वन था। स्टेक वर्पी पे भी ऑफ चल रहा था, ऑफ कह रही हूँ, बाय वन गेट वन की डील थी तो 150 में 2 माइसिलर वाटर मिल गए, वैसे सिंगल 130 का मिल रहा था, 20 रुपये दे के एक एक्स्ट्रा मिल गया तो फिर क्या बुरा, 150 में 2 मिल गया ऊपर से और डिस्काउंट। नेक्स्ट ये था स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस इल्यूमिनेटर, बेस्ट है, और स्विस ब्यूटी का मैंने ये मेकअप फिक्स कर लिया था तो यस मुझे एक लिपस्टिक और फ्री मिली है जो कि सेम शेड है बेयर, जो कि मेरे पास आई थिंक ये मेरी चौथी लिपस्टिक है स्विस ब्यूटी की जो मेरे पास सेम शेड है। क्या करूँगी मैं इतनी ढेर सारी लिपस्टिक का एक ही शेड में अलग अलग शेड भेज दो, क्या करूँ स्विस ब्यूटी की प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं ना।
क्या बताऊँ। नेक्स्ट ये था एंगेज का परफ्यूम जो कि हल्का सा लीक हो रहा था। अब मैं सोच रही हूँ इसको रिटर्न में डालूँ कैसे, क्योंकि उसमें लीकेज दिखाऊँगी कैसे कि लीक हो रहा है, बट हाँ लीक हो रहा है। बट ये परफ्यूम इतना अच्छा, ये मेरी फोर्थ बॉटल है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफ्यूम है। W2 वेरियंट एंगेज का ज़रूर ट्राई करना, इतनी प्यारी फ्रेगरेंस है ना क्या बताऊँ। नेक्स्ट ये था सेवन्थ ऑर्डर जो कि मुझे कम्प्लीटली डैमेज रिसीव हुआ था। इसका रिटर्न भी मुझे मिल गया था, लाइक मुझे रिफंड मिल गया था, बट उन्होंने अपना सामान वापस ही नहीं लेके गए। ये देखो ऐसे कटा फीटा था, क्वालिटी नहीं अच्छी है। बाई वन गेट वन डील में लिया था, स्टिक वर्क का वैनिटी बॉक्स है, बट क्वालिटी इज़ नॉट गुड। रखे रखे सारा लेदर इसका झड़ जाएगा, और लाइक स्टोरेज भी ऐसा कुछ खास नहीं था। तो पैसा तो उन्होंने दे दिया है, बट सामान अपना नहीं लेके गए, क्योंकि उनको पता था कि डैमेज है तो क्या ही वो सेल कर पाएंगे, तो इसी वजह से आई थिंक उन्होंने लेके नहीं गया। नेक्स्ट ये था एट था ऑर्डर, आई थिंक लास्ट ऑर्डर है। तो इसमें जो बायोटिक का हेयर मास्क था वो मैंने एक और परचेज़ किया था बनाना वाला, अभी मैंने ये ट्राई नहीं किया है। आई होप मुझे बताइए अभी अच्छा होगा। नेक्स्ट मैंने ये NYB की लिपस्टिक ली थी ऑर्डर की वैल्यू कम्प्लीट करने के लिए, ताकि COD मिल जाए। बहुत ही लाइक इतनी अच्छी लग रही है ना ये लाइट में, इसका शेड ब्लिंक कर रहा है, अच्छी थी। 75 रुपीज़ की थी। नेक्स्ट ये मेरा मोस्ट फेवरेट, इसी के लिए ये ऑर्डर प्लेस किया था, ये आई शेडो पैलेस। ये जो तीन शेड दिख रहे हैं आपको ना, सिल्वर ऑरेंज एंड पिंक, इन्हीं प्रेस की लेटर के लिए ये मैंने, इतना अच्छा पिगमेंटेड है ना। 750 में था, कूपन ऊपन लगाने के बाद आई थिंक मुझे ये 300 समथिंग का पड़ा था, जो कि बेस्ट था। 300 में यार क्या ही मिलेगा, वो मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो। नेक्स्ट ये वेट एंड वाइल्ड की मुझे ये ब्रश फ्री मिला था इसके साथ, एंड ये लोरियल का शैम्पू भी फ्री मिला था। इतना अच्छा शैम्पू है ना यार क्या बताऊँ, इसकी मैं बड़ी बॉटल ज़रूर परचेज़ करूँगी। बट अभी मेरे पास इतने शैम्पू हैं ना, मैंने मेरे पास प्लम के 2 बड़े बड़े शैम्पू हैं फ्री मिले थे, तो मैं जब ख़त्म करूँगी तभी परचेज़ कर पाऊँगी। तो यस गाइस यही सारा ऑर्डर था। इसमें 3-4 ऑर्डर अभी, लाइक 3-4 पीसेस अभी मेरे पास इसमें दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने एक बार शूट कर चुकी थी बट वो मुझसे डिलीट हो गया यार, उसमें सारे प्रोडक्ट थे। बट क्या करूँ, वो वीडियो मेरे पास है ही नहीं इस समय, सारे मुझे दोबारा शूट करना पड़ा पूरा वीडियो। इस वजह से 2-3 प्रोडक्ट इसमें नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं था यार कि कौन से प्रोडक्ट कितने में भूल गई थी। तो मैंने फिर से सारे प्रोडक्ट निकाले, अलग अलग रखे, शूट करे। यार प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। बाय बाय, सी यू लेटर।